पति पत्नी दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा रिलेशन, जिसकी तुलना साक्षात शिव और पार्वती से की गई है। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री माने गए हैं, यानी कि पूरक माने गए हैं। दोनों ही एक दूसरे का सम्मान भी माने गए। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस में बहुत सारे रीजंस की वजह से कड़वाहट घुलने लगती है, जिसकी वजह शायद ये खुद पति पत्नी भी नहीं जानते। और अगर जानते होते तो शायद इतनी कसमें वादे खाकर जब वो शादी करते हैं तो इस प्यारे से रिलेशन को कभी खराब नहीं होने देते। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर सृष्टि की डिमांड पर बना रही हूँ। और जैसा कि मुझे सृष्टि से बात करके पता लगा कि सृष्टि बहुत ही प्यारी इंसान है, और उनसे भी प्यारे इंसान उनके हस्बैंड हैं, जो उनको हर बात पर इतना सपोर्ट करते हैं। सो उनको भी मैं बहुत तहे दिल से उनका सम्मान करती हूँ, और उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपनी बीवी को कितना प्यार करते हैं। और ये शायद दूसरों के लिए मैसेज भी है कि आप अपनी वाइफ को किस तरीके से विंग्स दे सकते हैं कि वो खुश है, और जब वो खुश हो तो दूसरों को भी उसकी खुशी दिखे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी दुबे एक बार फिर आपके सामने, और आज का वीडियो जो है कि पति पत्नी और उनके बीच के झगड़े। सो ये झगड़े आखिर क्यों होते हैं, और उनको हम किस तरीके से चुटकियों में सुलझा सकते हैं। सो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और उसको शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो उसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, पति पत्नी के बीच की झगड़े की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले इसी वजह से होती है जब दोनों एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगे, यानी कि जो आपस के बीच का सम्मान है और वो प्यार है वो फेड होता चला जाता है, और वो एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। चाहे वो आपस में अकेले हो तो वो किसी भी तरीके का कटाक्ष सरकास्म करने से नहीं चूकते, या एक दूसरे की बेइज्जती करने से नहीं चूकते। एंड द सेम वे उन्हें कई बार ये भी ध्यान नहीं रहता कि पब्लिकली भी जब वो दूसरों के सामने हैं तो वो दूसरों के सामने भी एक दूसरे की बेइज्जती करना नहीं भूलते। सो ये जो छोटी छोटी शुरुआत होती है, जिसे लगता है ना कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े फसाद की जड़ बन जाती है। द सेम वे कई बार जब मैं अपने होम मैनेजर्स की काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे लगता है कि हर होम मैनेजर जब बहुत मन से तैयार होती है तो उसे लगता है कि कोई दुनिया उसकी तारीफ करे ना करे, बट अगर उसका हस्बैंड उसको प्यार से एक बार देख लेंगे तो उसके लिए वो बहुत ही खूबसूरत महिला होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, या मोस्टली मैं बात कहूँ कि जब वो होम मैनेजर्स को उनके हस्बैंड देखते तक नहीं है, चाहे वो जितना भी तैयार हो लें, चाहे वो जितना भी अच्छा खाना पका लें, उनकी तरफ देखना तो दूर रहा, उनके बारे में वो सोचते तक नहीं। और वो होम मैनेजर का जो गुस्सा होता है या अंदर ही अंदर जो कुड़ना होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेती हैं। सो कहने की बात ये है कि वो डायरेक्टली तो नहीं बोलती हैं, लेकिन जो ये हर्ट हुई होती हैं वो झगड़े की वजह ज़रूर होती है। और इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी किसी होम मैनेजर से या पति पत्नी में आपस में जब भी कोई बात होती है, उन्हें लगता है कि अगर कहीं कुछ उनके रिलेशन में कमी आती है या उनसे कहीं भी किसी चीज़ में वो कमतर होते हैं, तो जो उनका पार्टनर है वो दूसरी चीज़ों को संभाल ले, या उनका हाथ पकड़ ले, या उन्हें ढांढस बंधा दे कि तुम्हारी ये जो कमी है या जो तुमसे गलतियां हुई हैं उसको मैं पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ या इग्नोर कर रही हूँ, और हर चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट रियलिटी में इसका बिल्कुल अलग होता है कि जब दोनों को एक दूसरे की कमी पता लगती है, सो बजाय उसमें सपोर्ट करने के दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कई बार जो ये रिलेशन है जिसमें कुछ नयापन नहीं लगता है, क्योंकि दोनों लोग एक साथ समय गुजार रहे हैं, दोनों लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, और उन्हें इस रिलेशन में कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पकाऊपन सा लगता है, और कई बार ये जो रिलेशन है वो बोझ सा बन जाता है। और इसी के साथ साथ उन्हें पता नहीं लगता कि वो जो बोझ बना हुआ रिलेशन है उसमें कब झगड़े की शुरुआत हो जाती है, और वो जो झगड़ा करना भी जो छोटी छोटी बातों से शुरुआत हुई होती है, वो झगड़ा करना भी कब हैबिट में बदल जाता है। और इसमें मैं दोनों पति पत्नी को बोलूँगी कि कई बार दोनों पति पत्नी को लगता है कि उनकी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो गई, और वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में फंस गई, उनकी जो आज़ादी थी वो उनसे छिन गई, और उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के रूप में किसी गलत पर्सन को सिलेक्ट कर लिया। और जब उन्हें अपनी लाइफ ख़राब दिख रही होती है तो वो क्या करते हैं कि जो दूसरे आसपास जो कपल्स दिख रहे होते हैं, मैरिड कपल्स दिख रहे होते हैं या अनमैरिड भी, तो उन्हें लगता है कि वो कितना फ्री है या कितनी लाइफ एंजॉय कर रहा है या कर रही है। एंड द सेम वे जो अदर मैरिड कपल्स हैं, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, वो कितने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है जो मैंने
बहुत सारी काउंसलिंग्स में पाया वो ये है कि जब किसी का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है या जब किसी का ट्रस्ट या विश्वास टूट जाता है, सो पति पत्नी के बीच में जो सबसे बड़ी मजबूती होती है, जो नींव होती है, वो विश्वास की होती है। कई बार क्या होता है कि आपस के झगड़े ख़त्म करने के बजाय या आपस के विवाद या छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म करने के या सुलझाने के बजाय लोग क्या करते हैं कि कहीं किसी और से अट्रैक्ट होने लगते हैं और वो अपने दोनों की बजाय किसी और को अपनी लाइफ में एंटर कर लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में लिखा कि उसकी 13 महीने की बच्ची है और उसके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है। उस वाइफ को वो मायके में छोड़कर बच्ची के समेत वो उसको लेने भी नहीं आया। सो इस तरीके के जो कंडीशंस होती हैं या इस तरीके के जो हस्बैंड्स होते हैं, वहाँ पर मैं केवल और केवल ये कहूँगी कि जो रिश्ता आपने बहुत तहे दिल से स्वीकारा था, जिसको बहुत विश्वास से आप लेकर गए थे, जिसका सबूत आपकी बच्ची भी है, उसको आप किस तरीके से चुटकियों में ख़त्म कर देते हैं, सो आपसे बड़ा जो पाप है या आपसे बड़ा जो गुनहगार है दुनिया में कोई नहीं है। तो अगर गलती से आप भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं सो प्लीज़ अपनी गलती को ज़रूर सही करिएगा और अपनी वाइफ में ही सारी खूबसूरती देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये खूबसूरती के साथ साथ आपकी ऑनेस्टी भी मांगती है। और दूसरी चीज़, आप जब एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सो आपको ये जो बाहर की सुंदरता है वो कहीं भी आपके आड़े नहीं आएगी। आपको अपनी वाइफ की जो जिसे कहते हैं ना कि दिल की खूबसूरती, जिसे कहते हैं ना मन की खूबसूरती, वो आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वाइफ को मजनू की नज़र से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि लैला बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन मजनू उनको दीवानगी की हद तक प्यार करते थे। और इसी के साथ साथ जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने लगते हैं सो प्लीज़ मैं आपको सच बात बताऊं कि जब आपस के जब झगड़े होते हैं ना सो दूसरों को बहुत मज़ा आती है, चाहे आपके नज़दीकी लोग हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हों, पड़ोसी हों, सबको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इन्वॉल्वमेंट मिल जाए और एक्सपर्ट सजेशन देने में कामयाब हो जाएं। सो प्लीज़ इस तरीके के जो लोग आपके झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो बिलीव मी वो आपके झगड़े ख़त्म करने नहीं आते हैं, वो आपके झगड़ों को बढ़ावा देने आते हैं और आपका रिलेशन ख़त्म हो या बने वो उनकी बला से होता है। सो ये जो झगड़ों की शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत बड़े या ऊँचे लेवल पर जो हम ले जाते हैं, वो दूसरों को इन्वॉल्व कर ही ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पति पत्नी के जब ये झगड़े होते हैं सो उसमें किसी तीसरे की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो प्यार हो चाहे झगड़ा हो। आप दोनों मैच्योर्ड पर्सन हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं। आपके बीच में जब भी कभी कोई झगड़ा हो रहा है या कभी कोई मन मुटाव हो रहा है सो प्लीज़ कभी किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जब भी कोई तीसरा दस्तक देगा सो वो रिश्ते को केवल बिगाड़ने का काम करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हूँ सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात है, चाहे आपस में एक दूसरे के पेरेंट्स हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे फ्रेंड्स हों। प्लीज़ अपने झगड़े की बातें किसी और से डिस्कस नहीं करें। आपको लगता है कि आपके साथ या आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ समय देख के एक प्यार से बैठ कर उस प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। और ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच के जो झगड़े होते हैं सो प्लीज़ उनको हर बात पर झगड़े का नाम ना दें, क्योंकि कई बार ये सिंपली एक नोकझोंक होती है जिसे हम झगड़े का नाम दे देते हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है वो कहीं ऐसा हार जीत का रिलेशनशिप नहीं होता है जिसमें आप जीत गए तो आपको कहीं पर झंडा फहराने जाना है। यहाँ पर कई बार आप हार कर भी बहुत सारी चीज़ें जीत जाते हैं। सो प्लीज़ अपने इस रिलेशन में हारना भी सीखिए। कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे का दिल जीतने के लिए या दूसरे के लिए जगह बनाने के लिए दूसरे के दिल में हमें हारना बहुत ज़रूरी होता है। सो कई बार जब विवाद होते हैं, कई बार जब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सो आप चुप हो जाएंगे सो आप कहीं नहीं हारेंगे। सो कई बार चुप होना, दूसरे के सम्मान देना, दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। सो माय डियर फ्रेंड, समरी ये है कि उस मोमेंट को हार कर उस पर्सन को जीत लीजिए। और इसी के साथ साथ जो अपने आपस में हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, जितना पायस है इतना प्यारा है, सो एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को प्यार करना वो कभी मत भूलिएगा। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि हम तो बहुत पुराने हो गए। पुराने होने का मतलब कि हमारी शादी को तो बहुत सारे साल हो गए, तो उसमें कुछ भी नया नहीं लगता। बट मैं ये कहूँगी कि जब भी आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कुछ
कुछ नया नहीं बचा है। सो प्लीज़ आपकी एज कुछ भी हो, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो आपको अपने रिलेशन को रिवाइव करने के लिए खुद ही उठना पड़ेगा और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कहते हैं कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं या आपने जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना मत भूलिएगा, आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना मत भूलिएगा और आपस में एक दूसरे को ये कहना मत भूलिएगा कि आप एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी के साथ साथ मैंने कई जगह ये भी पाया है कि कुछ हस्बैंड्स में ना बहुत हेजिटेशन होती है कि वो तारीफ़ नहीं कर सकते या अपनी वाइफ को बहुत इम्पॉर्टेंस नहीं दे सकते, उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, या कई बार कोई नहीं भी होता है तो भी उन्हें लगता है कि बहुत अटपटा सा लगेगा। सो प्लीज़ ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम टू टाइम एक दूसरे की तारीफ़ करें, या कई बार पर्पसफुली, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको समय निकाल कर सिचुएशन देख के अपनी वाइफ की तारीफ़ करना नहीं भूलना है और उनकी इम्पोर्टेंस जताना नहीं भूलना है। जैसे कि मसलन आप ये कह सकते हैं कि घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, घर आकर मुझे बहुत शांति मिलती है और तुम्हारे साथ जब मैं चाय पीता हूँ ना तो वाकई मुझे बहुत जन्नत नसीब होती है, और तुम इस पर्टिकुलर ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही हो। और इसी के साथ साथ प्लीज़ सुबह शाम की जो ये चाय की प्याली होती है एक साथ पीना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो साथ के जो मूवमेंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे हमारे जो झगड़े होते हैं, कई बार जो छोटी छोटी नोकझोंक होती हैं, वो चाय की जो प्याली होती है जो हम चाय पीने की सिप के साथ ही ख़त्म हो जाती है। सो प्लीज़ ये जो चाय पीना है ये मत भूलिएगा। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि हर झगड़े के बाद आप ये कह दें कि चलो जो हुआ सो हुआ, चलो आप गरम गरम चाय पीते हैं, या आपको ये झगड़ा कंटिन्यू ही करना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि चलो अच्छा अभी ब्रेक लेते हैं और चाय पी लेते हैं और बाकी का झगड़ा चाय के साथ। सो फ्रेंड्स, ये बहुत मैंने मजाक में बात कही है, बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन कहने की बात ये है कि ये जो बहुत नाजुक मोमेंट्स होते हैं, बहुत ये जो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही आराम से जिन क्षणों को हम बिता सकते हैं, जिन चीज़ों को हम सुलझा सकते हैं, उनको बहुत ही डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करिएगा। एंड द सेम वे, कई बार क्या होता है कि हमारी हैबिट्स में जो है सरकास्म चढ़ जाते हैं। सरकास्म कहने का मतलब कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुम अपने आप को क्या समझते हो, या बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो एक दूसरे को कमेंट मार देते हैं या बुरा बोल देते हैं, तो हमें लगता है कि वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो सुन रहा होता है वो उसके दिल में बहुत अंदर तक छेद कर जाता है। सो प्लीज़ आपस में जब भी कोई कॉन्वर्सेशन रख रहे हैं, भले ही आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, सो सरकास्म मत मारिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना मत भूलिए कि जो आपके शब्द हैं आप जब खुद भी कभी आगे सुनेंगे या समझेंगे सो आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। सो आप ये जो गलत शब्दों का चयन कर रहे हैं अपने आपस के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, प्लीज़ उनका चयन गलती से भी ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आपस के जो विवाद होते हैं, जो आपस के जो झगड़े होते हैं, या आपस के ऐसे पॉइंट्स जिनमें आप दोनों का ट्रिगर पॉइंट होता है, प्लीज़ उनको बैठकर सुलझाइए ज़रूर। आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में विवाद की जो जड़ है ये पर्टिकुलर चीज़ है, तो उस पर बात करिए और उसका सलूशन ढूंढिए। ये नहीं कि जब भी आप उनको ढूंढें या आप उनमें बात करने के लिए बैठें सो आप उसमें फैसला लेने के लिए बैठ जाएं कि मुझे अगले पर्सन को हराना ही है। आप दोनों लोग उसको सुलझाने के लिए बैठें और उसका प्रॉपर सलूशन निकालने के लिए बैठें कि नहीं, हमारा ये जो रिलेशन है वो बहुत प्यारा है और हमें किसी भी तरीके के जो फसाद हैं या किसी भी तरीके के जो पॉइंट्स हैं जो हमारी लाइफ खराब कर रहे हैं, हमें उन्हें बैठकर समाप्त करना, यानी कि उसको खत्म करना है। और हाँ, एक पॉइंट और याद आ गया, अपने लाइफ में यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रोमांस का साथ कभी मत छोड़िएगा, यानी कि अपने दोनों के बीच में इस रोमांस को जरूर जिंदा रखिएगा। मुझे एक गाना याद पड़ रहा है कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि दो आई एम अ वेरी बैड सिंगर, बट यहाँ पर मैं गाना गाने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बिलीव मी, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ये गाना गा देना, बाय गॉड, वो दीवानी ना हो जाए अपने हस्बैंड की, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से इस तरीके के गाने या इस तरीके की लाइन सुन के ना वाकई पागल हो जाएगी और उसे लगेगा कि वाह, उसका हस्बैंड उसे कितना प्यार करता है।
सो प्लीज ये जो मूवमेंट्स हैं उनको जी लीजिए और आपस में एक दूसरे को प्यार करना मत भूलिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम एंड प्लीज़ आपस के जो बॉन्ड ऑफ टुगेदरनेस है, आपस के जो प्यारा सा रिलेशन है, प्लीज़ इसको प्यार से जिए, बिकॉज जिंदगी जो है वो एक ही बार हमको मिलती है और इसको प्यार से एक एक जो इसका लम्हा है इसको बहुत प्यार से जिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है सो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस टाइम।